क्वेश्चन पूछते आप लोग बताइएगा। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज है लेकिन वो मुफ्त में मिलती है, कौन सा चीज आप लोग नहीं जानते हो? नहीं गुरुजी। ठीक है, हम आप लोग को बताना चाहते हैं, वो है आशीर्वाद। आशीर्वाद हमें मुफ्त में मिल जाती है। आपको हम बताना चाहते हैं कहानी के माध्यम से कि मुफ्त में कभी आशीर्वाद नहीं मिला था अच्छे व्यक्तियों को। हम सबको माता पिता हमारे गुरुजन फ्री में दे देते हैं आशीर्वाद, लेकिन किन्हीं को मिलता भी नहीं था, तरसते थे। उनके बारे में बताना चाहते हैं, विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद एक जगह की शिकार के लिए जा रहे थे तो अपने शारदा माँ से, माँ शारदा मणि से आशीर्वाद मांगते कि माँ मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप क्या करें हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम उस कार्य में क्या हो विजय हो जाए। माँ शारदा मणि कही कि मैं यूं ही किसी को आशीर्वाद नहीं देता हूँ, क्या करना पड़ेगा? देखो सामने में एक मैदान में तलवार लगी हुई है, उस मैदान से तलवार को निकाल के ला तभी मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी। तो क्या हुआ, वो विवेकानंद गए, और सुनो यहाँ पर, विवेकानंद गए और उस मैदान से तलवार निकाले और धार वाले भाग को अपने से पकड़ लिए, और जो पकड़ने वाला होता है वो माँ शारदा मणि को दे दिए और कहे कि माँ शारदा मणि समझ गए कि ये धार वाला नोक पकड़ा है यानी कि मेरे दुख को भी ये ले लेगा और मेरे दुख को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तब माँ शारदा मणि उनको आशीर्वाद देती है कि जा जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो उस कार्य में तुम्हारी विजय होगी। और वाकई उसी आशीर्वाद से वो जो विवेकानंद जिस कार्य के लिए गए उस कार्य में उनको विजय प्राप्त हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने से बड़े जो भी रास्ते मिले उनको पैर छूकर आप जरूर प्रणाम करें, और अपने जितने उम्र के लगते हैं उनको भी हाथ जोड़कर जरूर प्रणाम करें। और बताते हैं आशीर्वाद से हमारा यश बढ़ेगा, विद्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, एक अनुशासन में रहने की हमें शिक्षा मिलेगी इस आशीर्वाद से। तो आप लोग माता पिता को प्रणाम करोगे ना? हाँ बाबू जी। आप चारों का पांचों का गुरु जी, अब चारों पांचों का पहला क्लास है तो करोगे ना? हाँ गुरु जी। देखो तुम्हारी दीदी जाती वो करती है, आप लोग करोगे ना? हाँ गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर शांति पैठ।